तो बच्चों आज हम नेस एग्जाम 2024 का 15वां सप्ताह लेके आए हैं, विषय गणित। ठीक है, तो जैसा कि आपको मालूम है सोमवार से अपना क्या 15वां सप्ताह चालू हुआ है। ठीक है, तो 15वें सप्ताह के यहाँ पर क्या है, 10 प्रश्न यहाँ पर जो अपने हैं उनमें से 4-5 प्रश्न यहाँ पर जो हैं अपने, पहले इनको देख लें। तो जो पहले यहाँ पर क्या है, 5 प्रश्न है, इनके लिए आपको एक निर्देश दिया है। इस निर्देश को यदि आप सही से समझ लोगे तो इन 5ों प्रश्नों के आप आसानी से आंसर दे दोगे, वो भी बिल्कुल सही सही सरल तरीके से। ठीक है, तो देखें नीचे दी गई सूचना को पढ़िए और समझिए और 40 से 44 तक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रश्न बैंक है, उसमें क्या है, कक्षा 4 का जो भाग है उसमें यहाँ पर ये 40 से 44 तक के प्रश्न अपने हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ पर जो सारणी दे रखी है इसमें एक साइड नाप का नाम दिया है, इधर टिकट की कीमत दी है प्रति बच्चा, और इधर क्या दिया है, उसका समय दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर डबल डेकर जो नाव है वो 30 रुपये में 45 मिनट का समय देती है, मतलब 45 मिनट तक क्या है, 30 रुपये में आपको घुमाएगी। ठीक है, पैडल जो बोट है वो 15 रुपये में 30 मिनट घुमाती है, मोटर बोट 25 रुपये में 20 मिनट घुमाती है, और चप्पू वाली जो नाव है 15 रुपये में 45 मिनट घुमाती है। ठीक है, ये आपको जानकारी दे रखी है और इसी जानकारी से ही आपको ये 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, यानी 40 नंबर का प्रश्न आपका है, किन दो नावों के टिकट की कीमत समान है। तो देखें यहाँ पर टिकट की कीमत किसकी समान है, तो आपको दिख रहा है पैडल बोट की कीमत भी 50-15 रुपये है और चप्पू वाली नाव की कीमत भी यहाँ पर कितनी है, 15 रुपये है। तो कौन किसकी कीमत समान है, टिकट की कीमत, तो पैडल बोट और चप्पू वाली नाव। ठीक है, पैडल बोट व चप्पू वाली नाव। ठीक है, तो ये आपका आंसर इसमें हो जाएगा, जिस भी ऑप्शन में उसको आप अटेंड उसमें कर दोगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 41, कौन सी नाव 1 घंटे में 3 चक्कर लगाती है। ठीक है, इनमें आपको बताना है ये 4 नाव है, इनमें से कौन सी नाव 1 घंटे में 3 चक्कर लगाती है। तो आप जानते हो कि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो यहां पर देखो यहां पर क्या है, जो पहले यहां पर दूसरी तीसरी वाली जो नाव है मोटर बोट वो यहां पर क्या है, 20 मिनट में 1 चक्कर लगाती है। तो इसका मतलब जब 20 मिनट में 1 चक्कर लगा रही है तो 1 घंटे में 20 या 60, मतलब 3 चक्कर लगाई, तो आपका आंसर क्या बनेगा इसका, मोटर बोट। कौन सी क्या है, बोट जो है वो यहां पर 1 घंटे में 3 चक्कर लगाएगी, कौन सी वाली, यहाँ पर तीसरी वाली मोटर बोट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 चक्कर 20 मिनट में, तो 3 चक्कर 20 या 60, मतलब 1 घंटे में 3 चक्कर यहाँ पर लगा देगी। ठीक है, फिर अगला प्रश्न हमारा है, 510 रुपये में कितने बच्चे डबल डेकर नाम में जा सकते हैं। कितने, 510 रुपये में कितने बच्चे, तो यहाँ पर देखो एक बच्चे के लिए 30 30 रुपये का टिकट है, तो 510 में कितने टिकट आ जाएंगे, तो 510 में 30 का भाग दे दोगे। ठीक है, 30 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से भाग देंगे कितने आ जाएंगे यहाँ पर, 17। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 17 बच्चे। ठीक है, 17 बच्चे आपका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हमारा है 43 नंबर का, 43 नंबर का, किस नाम में कम कीमत में अधिक समय मिलेगा। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लें कि किस नाम में कीमत कम लगे लेकिन समय आपको ज्यादा मिले। तो यहां पर देखो कौन सी नाव है, तो देखें यहां पर चप्पू वाली नाव है, 15 रुपये में 45 मिनट, समय भी ज्यादा है और कीमत भी कम। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बनेगा इसका, चप्पू वाली नाव, चप्पू वाली नाव। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर 43 नंबर वाले का। फिर अगला 44 नंबर वाला है, 44 नंबर का प्रश्न है, किन दो नावों को 50 मिनट चलाने के लिए 40 रुपये देने होंगे। समय कितना है दोनों का, 50 मिनट है, और रुपए कितने हैं, 40। तो ऐसी दो नाव देखें जिनका समय कितना हो यहाँ पर, 50 मिनट हो, और रुपए कितने हो रहे हैं, 40 हो। तो इसमें देखें जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 30 मिनट और 20 मिनट, यानी 50 मिनट और 15 रुपये और 25 रुपये, यानी 40 रुपये। तो इसका मतलब जो कौन सी दो नाव है, पैडल बोट और मोटर बोट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पैडल बोट। ठीक है, पैडल बोट व दूसरी कौन सी, यहां पर मोटर बोट। ठीक है, मोटर बोट, तो ये आपका आंसर इसका हो जाएगा यहां पर। ठीक है, बिल्कुल सरल है, उसमें से ही आपको जो जानकारी दे रखी है उसी में से आपको कॉपी करनी
करने यहाँ पर, ठीक है। तो इनको यहाँ पर नोट कर लें, फिर हम क्या अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न हमारा है 98 नंबर का प्रश्न है। कक्षा 5 से यहाँ पर प्रवेश कर जाते हैं हम। तो 98 नंबर पर क्या दिया है, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप कितना अधिक है। एक वर्ग है जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है, दूसरा वर्ग है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप कितना अधिक है दो वाले से। तो आप जैसे क्या है, वर्ग का परिमाप जो होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, यहां पर क्या है, 4 गुणा भुजा, ठीक है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा वर्ग का परिमाप होता है। अब पहले यहां पर क्या है, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप निकालोगे तो 2 4 गुणा 2, और 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप निकालोगे तो 4 गुणा 4, तो 2 सेंटीमीटर वाले का कितना आएगा, 8 आएगा, और 4 सेंटीमीटर वाले का तो 4 चौक 16, तो 8 से 16 कितना अधिक है, तो 8 अधिक है, मतलब सी वाला आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं, 126 नंबर का प्रश्न है। ये भी क्या है, यहाँ पर क्या है, कक्षा 5 का है जो प्रश्न बैंक में, उसी से लिया गया है। माचिस की एक डिब्बी में 50 तीलियां हैं, कितनी है, माचिस की एक डिब्बी है उसमें कितनी तीलियां हैं, 50 तीलियां हैं, ठीक है। मोनू 12 माचिस की डिब्बियां खरीदता है, तो बताइए मोनू ने कुल कितनी माचिस की तीलियां खरीदी, उसने डिब्बियां कितनी खरीदी, 12, तो आपको बताना है कि तीलियां कितनी है उसके पास, ठीक है। तो एक एक डिब्बी में यहां पर 50 तीलियां हैं, और एक डिब्बी में 50 तीलियां हैं, तो 12 डिब्बी में तो 12 का गुणा कर दो, ठीक है, यानी 12 5 60 और 1 0 मतलब 600, यानी मोनू के पास कितनी तीलियां हैं, तो मोनू के पास 600 तीलियां हैं, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं, तो ये प्रश्न है वो कक्षा 6 प्रश्न बैंक में, कक्षा 6 वाले पाठ से लिया गया है, 118 नंबर का प्रश्न है। क्या दिया है, एक आयताकार खेल का मैदान जिसकी लंबाई 165 मीटर तथा चौड़ाई 135 मीटर है के चारों ओर 14 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च किया होगा। एक क्या है, आयताकार क्या है, खेत है, जैसे मैं यहाँ पर आपको बताने के लिए समझाने के लिए बना लेता हूँ, तो जैसे एक आपके पास ये खेत है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, 165 मीटर है, ठीक है, और इसकी चौड़ाई कितनी है, तो 135 मीटर है, ठीक है। इसके चारों ओर बाड़ लगाना है, और बाड़ लगाने का खर्च कितना है, 14 रुपये प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर लंबाई की बाड़ लगाने में 14 रुपये खर्च आता है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा कि इसके चार ओर कुल कितनी लंबाई की बाड़ लगेगी, मतलब बाड़ की लंबाई आपको निकालना पड़ेगा, मतलब इसका परिमाप चाहिए सबसे पहले। किसी भी आकृति का पूरा जो घेरा होता है, तो उसका पूरा घेरा यानी क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। और ये चूंकि एक आयत है, और आयत का परिमाप आप जानते हो क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, ये सभी जानते हैं और बहुत अच्छे तरीके से जानने लगे हैं अभी तो, ठीक है। तो 2 लंबाई, तो लंबाई आपको पता है कितनी है, 165 मीटर है, तो यहाँ पर लंबाई लिख दो 165, प्लस चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी है, 135 मीटर है, तो 135 मीटर चौड़ाई लिख दो, ठीक है। अब देखो 165 और 135 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर देखो 65 और 35, यानी 100 और 200 300, तो कितने हो जाएंगे, 300, और 300 गुणा 2 यानी 600, यानी बाड़ की जो लंबाई तो 600 मीटर, लेकिन आपको खर्च बताना है। अब खर्च की क्या है, तो बता रहा है 14 रुपये प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर लंबाई की बाड़ 14 रुपये में लगेगी, तो आपके पास कितने मीटर लंबाई की बाड़ है, 600 मीटर, इसलिए इसका जो व्यय आएगा, खर्च आएगा, वो क्या बनेगा, तो 600 गुणा 14, क्योंकि 1 मीटर पर 14 खर्च, तो 600 मीटर पर, तो 600 गुणा 14 करेंगे, 2 जीरो तो यही 14 5 70, 14 84, यानी 8400 रुपये, ठीक है। तो उस पर कुल कितना खर्च आने वाला है, 8400 रुपये आपका आंसर इसका बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया हो तो लाइक जरूर करते चलना यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक कमरे की लंबाई 5 मीटर, ठीक है, कमरा है, उसकी लंबाई कितनी 5 मीटर है, और उसकी चौड़ाई कितनी है, 4.6,
मीटर है। ठीक है, कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर गलीचे की आवश्यकता हुई? कमरे के फर्श को क्या किसी गलीचे से फर्श से ढकना है तो उसके लिए कितने वर्ग मीटर गलीचे की आवश्यकता हुई? देखो यहां पर फिर मैं दोबारा बता दूं, जब भी आपको किसी आकृति की घेरे की लंबाई चाहिए तो इसका मतलब परिमाप होता है, और यदि आपको क्या है उस आकृति पर कुछ बिछाना है तो इसका मतलब उसका क्षेत्रफल चाहिए। यह आपसे यदि सीधा सा वर्ग मीटर में, वर्ग सेंटीमीटर में, वर्ग किलोमीटर पूछता है, वर्ग लगा के यदि कुछ पूछता है, मतलब उस आकृति का आपको क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। तो इसका आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल चाहिए। कितने वर्ग मीटर मतलब क्षेत्रफल चाहिए, तो कमरे का क्षेत्रफल चाहिए। और कमरे का क्षेत्रफल, तो कमरे का क्षेत्रफल मतलब आप जानते हो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, ऊपर क्या निकाला था हमने, परिमाप, तो परिमाप का फॉर्मूला होता है दो, लंबाई प्लस चौड़ाई, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है आपके पास, 5 है, और चौड़ाई कितनी है, 4.60। ठीक है, ये अब इसका आप गुणा कर दोगे आसानी से। अब देखो यहां पर गुणा करें तो देखो 0 और 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ो, 5 6 30, 3 हासिल, 5 6 को 20 और 3 23, यानी कितना आएगा, 23.00, मतलब 23 सही हो गया, 23 वर्ग मीटर। यानी कितने गलीचे की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको गलीचे की आवश्यकता पड़ेगी 23 वर्ग मीटर। ठीक है, अब इनको यहां पर आप थोड़ा नोट कर लें, फिर अगला एक प्रश्न और है उसको भी अपन करवा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इनका नोट कर लें या स्क्रीनशॉट कर लें, जो भी आपको सुविधा हो वो आप कर लें इसको। ठीक है, देखें तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, बोर्ड पर क्या लिखा है, 141 नंबर का है। एक वर्ष में रीमा 1,60,000 रुपये कमाती है और 60,000 रुपये की बचत करती है। रीमा द्वारा किया गया व्यय और उसकी बचत का अनुपात चाहिए, रीमा की व्यय और बचत का अनुपात चाहिए। तो देखें यहां पर क्या है, हमको क्या जिस भी क्रम में बोले, क्रम का इसमें जब भी अनुपात रेशो बोले तो उसका क्रम विशेष ध्यान रखा करो। पहले इसने क्या बोला है, व्यय, तो व्यय लिख लो, फिर क्या बोला बचत, तो बचत कर लो। अब देखो रीमा एक वर्ष में कितना कमाती है, 1,60,000, और इसमें से 60,000 रुपये बचत करती है, तो बचत के नीचे लिख दो 60,000 रुपये। ठीक है, अब देखो 1,60,000 में से यदि 60,000 रुपये बचत करती है तो इसका मतलब है यहां पर व्यय कितनी करती है, 1,00,000 रुपये। ठीक है, यानी 1,00,000 रुपये, तो बैक में लिख दो 1,00,000, और दोनों का आपको क्या चाहिए अनुपात, तो दोनों का अनुपात आप बना दोगे। ठीक है, बिल्कुल सरल है। अब देखो इसमें यहां पर 3 4 0 और इसमें 4 0 कैंसिल कर दो, क्या बचा 10 अनुपात 6 बचा, और भी कट रहा है तो काट दो। देखें यहां पर 2 से कट रहा है, 2 5 10 और 2 3 6, यानी क्या मिला आपको, 5:3। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया, 5:3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार अपना क्या है, 15वां जो सप्ताह है वो कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है। अब क्या है, यदि अच्छा लगा हो तो यहाँ पर क्या लाइक तो क्या करते ही जाइए। यहाँ पर सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।